हेलो गाइस, नमस्ते। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ईल फिश, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो ईल फिश। मैंने इसे मार्केट से ही अच्छी तरह से सब कुछ साफ़ करके, मैंने इसमें से अंदर से सब कुछ गंदा निकाल के लेकर आई हूँ। मैं इसे मैंने घर पे भी आकर इसे नमक और हल्दी से अच्छी तरह से गर्म पानी में धोया है मैंने इस तरह। अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी आधा चम्मच, नमक स्वादानुसार 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला 2 चम्मच। अब इसमें हम ऐड करेंगे गोले का पाउडर, जिसे मैंने भूनकर इसे मिक्सर में कूट लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच। अब इसमें हम इमली का रस डालेंगे 2 चम्मच। इसे अच्छी तरह से मिला लेना है अभी हमें। अब आप देख सकते हो मैंने इस तरह से मिला लिया है। अब पैन हमारा गर्म हो चुका है, हम डालेंगे इसमें 4 से 5 चम्मच तेल। तेल में डालेंगे जीरा, करी पत्ता। अब मैंने यहाँ पर लिया है मिक्सर में कूटा हुआ 1 टोमेटो प्यूरी, जिसे मैंने लहसुन और हरी धनिया के साथ पीस लिया है। इसे मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है, आप देख सकते हो। अब इसमें ऐड करेंगे नमक स्वादानुसार, हल्दी 1/4, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला 1/2 चम्मच। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे 2 मिनट तक। अब इसमें ऐड करेंगे हम मसाले वाली फ़िश, जिसे हमने मसाले डालकर मिक्स किया था। इसे 2 मिनट तक हमें हाई फ्लेम पर ही रखना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 गिलास पानी। याद रखें, हमें फ़िश में कभी भी गर्म पानी ही डालना चाहिए। अब इसे अच्छी तरह से मिलाकर 2 मिनट तक ढकेंगे हम। हाई फ्लेम पर ही पकाना है हमें फिश को। आप देख सकते हो फिश हमारी पक रही है अभी भी। इसे हमें हाई फ्लेम पर ही रखना है। बाकी सब फिश की तरह नहीं रहती है ईल फिश, थोड़ा इसे हमें ज़्यादा ही पकाना चाहिए। आप देख सकते हो फिश हमारी बनकर तैयार है। आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।